आज मुझे सेयार करी समर स्पेशल सर्ट आउ हेल्दी रेसीपी बादाम शेक्र रेसीपी जोटा कि पूरा मार्केट पर बन मात्र तीन रु चार जिनस को देखिए देखते परफेक्ट कनसीस्टेन्सी सहित बादाम शेक आम बनिक रेडी आेरी कहीं चलते जी रेसीपी देखि ना। नमस्कार मु स्मिता स्वागत करुच्छू मो चेल स्मिता ओडिया को। 700 ग्राम भाया क्षीर मुझे गरम होगा छाड़देवी गैस उपर गैस लगेदे आ गैस को सीम्रे रखिके क्षीर को पूरा भल भाव में फुटी जावाई आतीक टाइम भितर बादाम शेक जहाँ जहाँ इनग्रीडियंट दरकार सब गुड़ाक आम प्रिपेयर कर ना। एपटे मुझे गोटे मिक्सिंग जार नहीं अल्प किसी आलमंड आड करवा सहित अल्प किसी पिस्ता मुझे आड कर पिस्ता तो ऑप्शनल अच्छे आप चाहिए आड करें ना खाली आलमंड को भी भल भाव में ब्लेंड करके यूज करें चालंतु को बढ़िया भाव में ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने आगे ये आम चीनी देदेव आपड़ जी पर मीठा खाइबा चाहते से ही अनुसार चीनी आड करदे आगे भल भाव ब्लेंड ब्लेंड कला बेले गोटे जिनस ध्यान रखिए आपड़ी आलमंड यूज करते या आलमंड पिस्ता दुईटा जाक यूज करते आपण मन पसंद जब इच्छा अच्छे काजू भी आड करेंगे जहाँ भी आड करा परफेक्टली ब्लेंड हाँ दरकार पूरा प्लेनली ब्लेंड हाँ दरकार बिलकुल भी खतडांश रहा दरकार नहीं भी सैड रखा आठ गोटे बाउल मुझे नहीं बाउल रे हाफ चमच कस्टर्ड पाउडर यूज करुचे दुई चमच भाया पा आड कली हाल्का कि गोल नब जमीक कस्टर्ड पाउडर में बिलकुल भी लम्स न रहे बढ़िया भाव में मिशी जाए। कस्टर्ड पाउडर ये रेसीपी यूज कले बहुत बढ़िया मार्केट भाया टेस्ट आसपा जदि कस्टर्ड पाउडर ना देन आप स्किप करें। क्षीर को फुटिया छाड़बार 15-20 मिनिट हो गैस को हाई फ्लेम करके 2-3 थर ऊपर तल करके भल भाव गोल नब जमीक टी जल्दी फुटबा स्टार्ट करदेव आईटी बनई रखा ड्राई फ्रुट्स पेस्ट को आड करेंगे। ड्राई फ्रुट जगह आप चाहिए खाली तो आलमंड ही नहीं पारे तो मुझे खाली आलमंड पाउडर ही आपको कहूँ आलमंड पाउडर आड कला एक फुटिया आउ कि टाइम छाड़ा जहाँफल कि जहाँ भी आम ड्राई फ्रुट्स यूज करते भी भल भाव में सीझी आ क्षीर भी आम थिकनेस आसीज कनसीस्टेन्सी मोटाइट अल्प किसी जहाँ भी आम बन रखी कस्टर्ड पाउडर पेस्ट आड करदे। कस्टर्ड पाउडरटा ये आड कला ना यार कलरटा बहुत ही बढ़िया भाव में चेंज होगा गोटे मार्केटर जमी बादाम शेक मिले सेमती का फ्लेवर आसीज कहीं कस्टर्डर गोटे नेचुरल फ्लेवर थाए जोटा कि अलग प्रकार थाए देखते फुटला के बढ़िया कलर आठ मतलब फुटिया अलमोस्ट 45 मिनिट्स लगला क्षीर आम पूरा थिक बादाम पाउडर पड़ला यहाँ पूरा थिकनेस आ जाए बढ़िया भाव में गोटे बादाम शेक बनिक रेडी एक गोटे ग्लास को बाहर करना एक थंडा करने 3-4 घंटा या 2-3 घंटा रेफ्रिजरेटर रखीदे बढ़िया भाव में थंडा होपर आम सर्व करवा थंडा थंडा कुल कुल बादाम शेक देखते केमी बनी पूरा मार्केट स्टाइल बनी बहुत ही बढ़िया कलरफुल देखा जा फ्लेवर भी बहुत बढ़िया अच्छे एक अल्प टिके और ड्राई फ्रूट सहित तो गार्निश करना जहाँफल कि यार कलर टेक्सचर आहुरी सुंदर लगे देखापे भी बहुत भल लगे। आशा करे रेसीपी पसंद आसपी रेसीपी पसंद आसे लाइक शेयर कमेंट करने को बिल्कुल।